हाय, माय नेम इज हितेश. आई एम पोस्ट प्रोडक्शन हेड फ्रॉम फिनिक्स रॉक स्टूडियो. 2001 डेड वन का जिस टाइम पे आया था, सर लेके आए थे प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा था और शूट ही इतना अच्छा गया था सर ने कि हमको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा. अभी फाइनल टचअप चल रहा है, अभी DI का काम चल रहा है और पूरा मूवी बहुत अच्छा बना है. तो पूरा सर का ही मतलब एक्सपीरियंस दिखता है कि बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं एट द सेम टाइम. ये चीज़ जब हाथ में आई तो इतना काम नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज एंड ऑल थिंग्स आर लाइक सेट. हमको यहाँ पे आके खाली वो जो सर ने इतना सोचा है, जो उनका विचार है, वो एग्जीक्यूट करना है दर्शकों के सामने, तो वो किया है. देखते हैं अभी कैसी लगती है दर्शकों को. तो क्या करेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन जो काम है वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, क्योंकि बहुत मायने रखता है पोस्ट प्रोडक्शन का काम. हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि वो फाइनल टचअप होता है किसी भी आर्ट में, किसी भी चीज़ में. हम अगर फाइनल टचअप अच्छे से ना दें तो आर्टिस्ट ने जो स्टार्टिंग से वो बिल्डअप किया है, जो स्टार्टिंग से उसकी मेहनत है, सब बेकार हो जाती है. तो पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी मूवी में. वो DI ले लो, VFX ले लो, साउंड ले लो, हर चीज़ में बारीकी से देखो वो. और अगर तुम कोई चीज़ दर्शकों के सामने ला रहे हो तो वो फाइनल टचअप के बिना ना आए, ये चीज़ बहुत वो अन्याय होगा डायरेक्टर पे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए, इतना स्टोरी अच्छे से शूट वगैरह सारी चीज़ें होके आ रही है, पर पोस्ट प्रोडक्शन में उस चीज़ पे अगर न्याय नहीं मिला तो वो. तो जो कंपनी है आपकी, जो भी वर्क करती, सर्विस ऑफर करती है पोस्ट प्रोडक्शन के अलावा, उसके बारे में बताइए और क्या विजन है कंपनी को लेकर. फिनिक्स रोज में अभी तक बहुत मूवीज हुई है, मतलब इतनी सारी भी नहीं हुई है बट चल रहा है. अभी स्टार्टअप ही है और बाहुबली 2 का VFX के 50 शॉट्स कर चुके हैं हम लोग. VFX का मेन मोटो है. उसके बाद धीरे धीरे अभी एडिटिंग शुरू हो चुका है, एडिटिंग की भी मूवीज चल रही है 2-3. उसके बाद DI भी कर रहे हैं, साउंड भी कर रहे हैं यहाँ पे. तो दिस इज़ कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन पैकेज. तो मराठी की सीरियल चल रही है VFX, उसके बाद गेस्ट इन लंदन मूवी जो परेश रावल जी की थी, उनके भी VFX के शॉट्स यहाँ पे हुए हैं. जज्बा, तेरे बिन लादेन, काय पोचे, ऐसी मूवीज़ के एडिटिंग हो चुके हैं. तो ये फिनिक्स रॉक पोस्ट प्रोडक्शन के अंडर नहीं हुए. यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि जो अच्छे खासे ट्रेंड आर्टिस्ट है, और अभी सारे वो जो क्रीम होता है वो सारा क्रीम फिनिक्स रोज में जमा करके अभी एक पूरा अपना आमर रेडी करके इंडस्ट्री में आए हैं. और 2001 डेड वन का लाइक अच्छा इफेक्ट पड़ा है फिनिक्स रोज पे भी. तो सर के साथ आगे और काम करने का मौका मिलेगा तो देखते हैं सर का काम, मतलब सर को हमारा काम कैसा लगता है.